सब्सक्राइब कीजिए सीमा स्मार्ट किचन चैनल को, बेल को क्लिक कीजिए, इससे सबसे पहला इजी यमी वेज रेसिपी का मैसेज आपको आएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीमा स्मार्ट किचन। आज हम बनाएंगे स्टफ्ड स्वीट बाटी। फेस्टिवल के सीजन में खोया अच्छा नहीं मिलता है, इसलिए हम इसमें खोया नहीं यूज करेंगे, पर ये फिर भी उससे ज्यादा टेस्टी बनेगा। अगर आप इस स्टफ्ड स्वीट बाटी को एक बार बनाएंगे तो आपको हर फेस्टिवल सीजन में इसकी याद आएगी, क्योंकि ये टेस्टी होने के साथ साथ बहुत ही इजी है और घर में रखे हुए इंग्रेडिएंट से ही तैयार हो जाता है। चलिए बनाते हैं स्टफ्ड स्वीट बाटी। ये है स्टफ्ड स्वीट बाटी के इंग्रेडिएंट जो आपको घर में आसानी से मिल जाएंगे। एक बाउल में मैदा, बेकिंग पाउडर या फिर बेकिंग सोडा और घी डाल के अच्छे से मिला लीजिए। ये अच्छे से मैश हो जाना चाहिए। और अब एक दूसरे बाउल में फ्रेश दही और इसमें 2 टेबलस्पून पानी डाल के अच्छे से मिला लीजिए। बिल्कुल मैश हो जाना चाहिए दही। और अब इससे हम मैदे को सानेंगे। इस दही वाले पानी से ही इस मैदे को सानिए। थोड़ा थोड़ा डालते जाइए और मिलाते जाइए। एक मीडियम सॉफ्ट आटा तैयार कर लीजिए और अगर जरूरत पड़े तो थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं। इस टाइप का आटा तैयार हो जाना चाहिए। इसे ढक के रख दीजिए, तब तक हम स्टफिंग तैयार कर लेंगे। एक और बाउल लीजिए, उसमें डाल दीजिए मिल्क पाउडर, काजू पाउडर और ठंडा दूध। इन सभी चीजों को अच्छे से मिला लीजिए, इसमें एक भी गुठली नहीं रहनी चाहिए। मिला लेने के बाद इसमें डाल दीजिए बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट, इलायची पाउडर और केसर के थ्रेड। अब एक पैन को लो फ्लेम पे गर्म होने के लिए रख दीजिए। इसमें डाल दीजिए 1 चम्मच घी और इस बैटर को इसमें पलट दीजिए और मीडियम फ्लेम कर दीजिए और इसे लगातार चलाते रहिए। ये थोड़ा सा थिक तैयार हो जाएगा और इसकी हम स्टफिंग भरेंगे। ये बहुत ही टेस्टी लगता है। आप इसे गुजिया की स्टफिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। लीजिए, ये 3 से 4 मिनट में तैयार हो गया है। अब इसे ठंडा होने दीजिए। ठंडा होने के बाद इसमें मिला दीजिए पिसी हुई चीनी। गर्म इसमें ना मिलाएं, नहीं तो ये पानी छोड़ देगा। अब हाथों में थोड़ा सा घी लगा लीजिए और इसके छोटे छोटे बॉल्स तैयार कर लीजिए इस टाइप से। अब तक आटा अच्छे से सेट हो चुका है। इसमें से छोटी छोटी लोइयां तैयार कर लीजिए। जितनी बड़ी बाटी चाहिए उससे आधा तैयार कीजिए, क्योंकि इसमें स्टफिंग भरना है। अब इस लोई को हाथ में ले लीजिए और इस टाइप से इसे फैलाते हुए एक पेड़ा तैयार कर लीजिए और दोनों हाथों से उसमें थोड़ा सा गड्ढा बना दीजिए। ये बीच में से थोड़ा सा मोटा होना चाहिए और साइड से थोड़ा सा पतला। और अब स्टफिंग वाले बॉल को इसमें डाल देना है। स्टफिंग डाल देने के बाद इस टाइप से इसे फोल्ड कर लीजिए और ऊपर से बंद कर दीजिए। कहीं से भी ये खुला नहीं रहना चाहिए, नहीं तो तेल में डालने के बाद ये खुल जाएगा। इस टाइप से इसे घुमाते हुए बीच में से दबा दीजिए, जैसी बाटी रहती है। सभी इसी तरह से बना के रख लीजिए और तेल को गर्म होने रख दीजिए। बहुत ज्यादा गर्म तेल नहीं चाहिए। जैसी हम कचौरी के लिए या फिर समोसे के लिए तेल लेते हैं, उतना ही गर्म तेल चाहिए। देखिए, एकदम हल्के बुलबुले आ रहे हैं, इतना ही गर्म तेल चाहिए। इतने गर्म तेल में ही इस स्वीट बाटी को तलना है। पलट पलट के दोनों तरफ से तल लीजिए। इसे तलने में लगभग 15 से 20 मिनट लगेंगे लो फ्लेम पे। एक एक करके सभी बाटियों को इसमें डालते जाइए, जिससे कि तेल का टेम्परेचर मेंटेन रहे और जो भी बाटी गोल्डन कलर की हो जाए उसे पेपर टॉवल पे निकालते जाइए और ठंडा कर लीजिए। ठंडी बाटी को ही हमें चाशनी में डालना है। चाशनी बनाने के लिए एक भगोने में 1/2 कप चीनी लीजिए। इसमें 1/4 कप प्लस 2 टेबलस्पून पानी डाल दीजिए और इसमें अब डाल दीजिए केसर थ्रेड और इलायची पाउडर और चीनी को मेल्ट होने दीजिए। जैसे ही चीनी थोड़ी मेल्ट हो जाए इसे गैस पे चढ़ा दीजिए और लगातार चलाते रहिए। जैसे ही इसकी चाशनी एक तार की हो जाए फ्लेम को बंद कर देना है। एक तार की चाशनी इस टाइप की रहती है, आप देख सकते हैं इतनी गाढ़ी, इसमें एक तार आ रहा है।
काफी देर तक भगोना गर्म रहता है तो चाशनी और गाढ़ी हो जाएगी। अब एक एक बाटी को इसमें डालते जाइए और निकालते जाइए। ज्यादा देर इसमें नहीं रखना है, सिर्फ 20 से 30 सेकंड तक ही डालना है। सभी बाटियों को शुगर सिरप लगा दीजिए और एक प्लेट में रख दीजिए। जब तक इसकी चाशनी एकदम सूख नहीं जाती तब तक बाटियों को पलटते रहिए बीच बीच में। लीजिए, तैयार है स्वीट स्टफ्ड बाटी। वाओ, ट्रस्ट मी, ये बहुत ही टेस्टी बनी है। आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें और अपने एक्सपीरियंस शेयर करें। वीडियो की लिंक को फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करें। लाइक कीजिए और अपने वैल्यूएबल कमेंट जरूर कीजिए। और अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, न्यू अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ। बाय बाय।